नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि आप अपनी BMR को अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा कैसे सकते हो। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कुछ चीज़ें होती है जो कि हम जिन से हमारी BMR पे फ़र्क पड़ता है। उनमें से एक चीज़ होती है हमारे शरीर में कितनी मसल है, जो कि सबसे ज़्यादा जो हम जिस चीज़ पे हमारा कह सकते हो कंट्रोल है, ऐसा कह सकते हो जिस पे हमारा सबसे ज़्यादा नियंत्रण है। तो पहले बात करते हैं BMR को बढ़ाना और घटाना कैसे करना है। तो अगर हम पहले बात करते हैं कि बढ़ा कैसे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दुनिया ये चाहती है कि BMR बढ़ाएं कैसे। BMR बढ़ेगी तो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी बढ़ेगी, हम ज़्यादा खा सकते हैं और मोटे नहीं होंगे, पतले हो जाएंगे, इसलिए लोग BMR बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा BMR अच्छी ही हो। BMR ज़्यादा होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी उम्र कम हो रही है। जैसे जैसे BMR बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी उम्र कम हो रही हो सकती है, ऐसा विज्ञान ने भी पाया है और शास्त्रों में भी आया है कि ज़्यादा खाना मतलब शरीर से ज़्यादा खाना पचवाने से उम्र कम हो सकती है, शरीर को आराम देने से उम्र बढ़ सकती है, मतलब पाचन मतलब आपका जो पाचन तंत्र है उसको आराम देने से उम्र बढ़ सकती है। तो अब बात करते हैं कि BMR बढ़ाने के लिए सबसे जो परमानेंट BMR बढ़ जाए उसके क्या तरीके हैं, और एक जो टेम्परेरी BMR बढ़े, मतलब एक तो स्थायी रूप से आपकी BMR बढ़ जाए और एक मान लो एक दो दिन के लिए, चार दिन के लिए बढ़ गई इस तरीके से। तो परमानेंट BMR बढ़ाने के तरीके, अपने शरीर में मांसपेशियाँ बढ़ा लो, मसल बढ़ा लो। जैसे जैसे मांसपेशियाँ बढ़ती है आपके शरीर में वैसे वैसे आपकी BMR बढ़ती है। आम आदमी जो है, जो नॉर्मल बचपन से खाता पीता है, नॉर्मल जीता है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। दूसरा है रिवर्स डाइट। रिवर्स डाइट क्या होता है पूरी डिटेल में मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगा, पर अभी के लिए जितना जरूरी होता बता देता हूँ। कुछ लोग होते हैं क्रैश डाइटिंग करते हैं। क्रैश डाइटिंग क्या होती है, मैंने पहले बताया था, कसरत करना भी चालू कर दिया और मतलब क्रैश डाइटिंग होती है कि बहुत कम खाना चालू कर दिया और पूरा पोषण नहीं दे रहे शरीर को। और फिर आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि जैसे हम एक मैडम जी का उदाहरण लेते हैं कि BMR 1400 है, औरत है, और ये मैडम इनको जो कुछ चढ़ा वजन कम करने का, तो ये जिम गई और इन्होंने क्रैश डाइट करी, मतलब जिम भी चालू कर लिया और खाना भी सही नहीं खा रही। इन्होंने क्या करा कि जिम गई और हफ्ते में 6 दिन दबा के कसरत करती थी, तो इनकी मेंटेनेंस कैलोरी बन गई 2415। 1400 को 1.725 से हमने गुणा कर दिया। मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ देख सकते हो। तो मैडम को खानी थी 2415 कैलोरी अपना वजन बराबर रखने के लिए, और इससे थोड़ी कम खाती तो वजन कम होता और मैडम खाने लगी 1000 कैलोरी। आपने देखा वो बहुत आम चीज़ है कि लोग जिम जाते हैं, दबा के कसरत करते हैं, दो दो घंटे तक करते हैं और फिर बहुत कम खाते हैं कि वजन जल्दी कम होगा। तो मैडम 1000 कैलोरी खाने लगी और मैडम ने ऐसा 3 महीने करा, तो धीरे धीरे क्या मैडम के शरीर, मैडम की BMR कम हो गई, मैडम की मेंटेनेंस कैलोरी कम हो गई, मैडम की मसल लॉस भी हो गया, मैडम के शरीर को 1000 कैलोरी पे जिंदा रहने की आदत पड़ गई, क्योंकि आपका शरीर जिंदा रहना चाहता है। तो आपका शरीर जितना भी आप दोगे उसमें जिंदा रहने की कोशिश करेगा। तो अगर आप 1000 दिए जा रहे हो तो वो 2400 रोज की खर्च करेगा तो सारा वजन खत्म हो जाएगा ना, तो वो धीरे 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 खर्च ही कम करने लग जाए, तो 1000 ही खर्च करने लग जाएगा। ये सर मैं आगे और डिटेल में बता दूंगा जब रिवर्स डाइटिंग वगैरह की बात होगी, पर एक बार के लिए समझ लो। तो मैडम की BMR भी कम हो गई, मेंटेनेंस भी कम हो गई, अब 1000 कैलोरी पे भी मैडम का वजन कम नहीं हो रहा, मेंटेनेंस ही 1000 कैलोरी होगी, ठीक है। मैडम ने अपना मेटाबॉलिज्म खराब कर लिया, BMR कम कर ली। अब इन मैडम को क्या करना चाहिए कि 1100-1200 कैलोरी से चालू करें, हफ्ते 10 दिन 1100-1200 कैलोरी खाए, फिर हर हफ्ते या 10 दिन में 100-150 कैलोरी बढ़ाए, 100-150 कैलोरी बढ़ाए, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाए। हल्का फुल्का वजन बढ़ सकता है इस चीज़ में, पर अब वापस बढ़ाने का ये तरीका है, इसको रिवर्स डाइट कहते हैं। ऐसे धीरे 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 वापस मेंटेनेंस को ऊपर ले जाना, BMR को ऊपर ले जाना, इसे रिवर्स डाइट कहते हैं। अगर आपकी BMR कम है तो आपके मेटाबॉलिज्म कम है तो आप रिवर्स डाइटिंग है, जो तरीका मैंने बताया धीरे 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 100-150 कैलोरी हर हफ्ते की बढ़ा करके, आप जैसे जैसे आप खाना बढ़ाते जाओगे आपके शरीर को उतनी ऊर्जा खर्च करने की आदत होती जाएगी, तो आपकी मेंटेनेंस बढ़ती जाएगी। तो अगर आपकी BMR कम है, मेंटेनेंस कम है, तो आप रिवर्स डाइट करके उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, ठीक है।
और ये आमतौर पर उसी के लिए को करना चाहिए जिसने पहले इन मैडम जैसे एक क्रैश डाइटिंग और कर रखी है, मतलब अपना मेटाबॉलिज्म खराब कर रखा है। जिसने नहीं करा है उसको ये करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो फिर भी कर सकते हो, नहीं काम आदमी चाहे तो फिर भी कर सकते हैं, पर उसको करने की जरूरत नहीं। और फिर जो क्रैश डाइटिंग वाली मैडम है, इन्होंने जब रिवर्स डाइट करके वापस से नॉर्मल खाने जितने पहुंच गई, मान लो 2300-2400 कैलोरी पे पहुंच गई, तो फिर इन्हें अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए मसल बढ़ानी चाहिए अपने शरीर में। लड़कियों के बहुत ज्यादा मसल भी नहीं बढ़ती, पर जितनी बढ़ सकती है उतनी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये हो गए स्थायी तरीके, परमानेंट तरीके। टेम्परेरी तरीकों में क्या है, कसरत करो। आज कसरत करी तो आज कसरत करके आ गया, मैं जिम जाकर आया, कल मैं लेटा भी रहूंगा ना बिस्तर पे, तो भी जो मैंने शरीर कसरत करके तोड़ा था उसे वापस जोड़ने हैं। मतलब जैसे मैंने मसल तोड़ी है, ये सब मैं पहले समझा चुका हूँ कि हमारी मसल रिकवरी होती है, मसल हम तोड़ते हैं जिम में जा करके, ऐसा नहीं है कि मसल जोड़ के आते हैं। तो ऐसा नहीं है मसल हम ऐसे तोड़ देते हैं, पर मसल टीयर होती है। तो वो कसरत जो आपने करके शरीर को तोड़ा है, एक तरीके से इसे कह देते हैं शरीर तोड़ा, तो जो शरीर तोड़ा है इसे वापस जोड़ने में अभी शरीर ऊर्जा खर्च करता है। तो आप अगर अगले दिन बिस्तर पर भी पड़ रहोगे, अगर आज जिम जा गया और कल बिस्तर पर भी पड़ रहोगे, तो भी आपका शरीर ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा होगा, तो आपकी बीएमआर ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा प्रोटीन खाने से आपका शरीर ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर लेता है, पर इन बातों में देखोगे अगर आप कसरत नहीं कर रहे हो तो आपकी बीएमआर उतनी रही जितनी है, सिर्फ कसरत करोगे तब बढ़ेगी। ज़्यादा प्रोटीन जिस दिन खा लिया उस दिन बीएमआर बढ़ जाएगी मान लो, पर नहीं खाया तो नहीं बढ़ेगी। ठंडा पानी पीने से लोगों का कहना, ठंडा पानी पियो, तो उस ठंडे पानी को शरीर अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, थोड़ा ठंडे पानी की ठंडक के कारण हम ज़्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं तो उससे भी बीमार पड़ती है। पर आयुर्वेद के हिसाब से ठंडा पानी फायदेमंद नहीं है, नुकसान कर सकता है। और फिर मसालेदार, ज़्यादा मसाले खाते हैं तो हमारी बीमार पड़ सकती है, पर ज़्यादा मसालेदार खाना भी नुकसान करता है, तो ये भी कोई। और वैसे भी जिस दिन तुम ठंडा पानी पी लोगे, जिस दिन तुम मसालेदार खाओगे उसी दिन बढ़ेगी, ऐसा नहीं है उसके 10 दिन बाद भी बढ़ी रहेगी। ज़्यादा हिलो डिलो तो तुम्हारी ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी शरीर में, ये बात ठीक है। कॉफ़ी पियो, ग्रीन टी पियो, साइंस का कहना है कि इससे थोड़ी सी तुम्हारी बीमार बढ़ सकती है, पर आयुर्वेद के हिसाब से ये कोई शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है और हमेशा नहीं है। ढंग से सो, अच्छा सो, गहरी नींद सो, 7-8 घंटे सो, ये तुम कर सकते हो आमतौर पे, ठीक है। चाहो तो 6 घंटे भी सो, पर मतलब अगर तुम्हारा ज़्यादा काम है तो 6 घंटे सोना चाहिए मेरे हिसाब से, पर आमतौर पर कहा जाता है कि 7 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, ठीक है, 7 से 8 घंटे की कही जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गए स्थायी इलाज कि आज तुमने किया तो तुम्हारी बीएमआर बढ़ गई, फिर तुमने 2-4 दिन बाद बंद कर दिया तो तुम्हारी बीएमआर वापस वैसी हो जाएगी। पर अगर तुम्हारे शरीर में तुमने मसल बढ़ा ली, मांसपेशियां बढ़ा ली, तो वो तुम्हारे शरीर में रहेंगी, तो वो तुम्हारी जब तक शरीर में वो मसल रहेगी तब तक तुम्हारी बीएमआर जो बढ़ी है वो बढ़ी भी रहेगी। तुमने रिवर्स डाइट करके, तुम्हारी ये मैडम ने मान लो रिवर्स डाइट करके 1000 कैलोरी से वापस 2400 कैलोरी पहुँच गई, तो ये वहाँ पर रहेंगी, ऐसा नहीं कि वापस से मतलब 1000 रुपये आ जाएंगे, ऐसा नहीं, अपने आप में ओवर रहेंगे, तो ये परमानेंट तरीके। अब आते हैं, किसी को इच्छा हो, किसी को ऐसा लगे कि अरे यार मेरी बीएमआर तो बहुत ज़्यादा है, मेरे को तो बहुत खाना खाता हूँ, मैं कहीं जल्दी नहीं मर जाऊँ, कहीं मेरी उम्र कम नहीं हो जाएगी क्योंकि मैं अपनी पाचन क्रिया को इतना ज़्यादा काम ले रहा हूँ, मेरी पाचन क्रिया एक मशीन है जो कि ज़्यादा काम लेने से ख़राब हो जाएगी। किसी को अगर ऐसा लग रहा है और वो बीएमआर कम करने की सोचता है, तो एक तरीका तो है मसल लॉस, अपने शरीर में मसल कम कर लो। पर मैं नहीं कहूँगा कि ये तरीका काम ले हो, क्योंकि शरीर में मसल है, काम की चीज़ है, मतलब क्यों तुम और दिखोगे भी अच्छे, उसमें ताकत भी रहेगी तुम्हारे शरीर में, तुम उसे क्यों मतलब घटाना चाहोगे। तो मैं वो नहीं कहूँगा। एक तरीका और अभी हमारे कम करने का, तुम कम खाओ, ठीक है, जैसे तुम अभी बहुत दबा दबा के खाते हो, तो तुम जितना खा सो उससे थोड़ा कम खाओगे ना, तो धीरे 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 तुम काफी टाइम तक उतना कम खाते जाओगे। मान लो तुम 3000 कैलोरी खाते हो, तुम 2700 कैलोरी खाने लगे, 2700 कैलोरी खाने लगे, बहुत टाइम तक तुम 2700 कैलोरी खाने लगे, 3 महीने में 4 महीने में, तो धीरे 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 तुम्हारा शरीर है ना 3000 से 2900 कैलोरी पे मेंटेन, अपना वजन मेंटेन करने लग जाएगा, पूरे दिन में 2900 कैलोरी खर्च करेगा, फिर 2800 कैलोरी खर्च करेगा, फिर धीरे धीरे वो 2700 भी आने लग जाएगा, फिर तुम 2500 करोगे 2500 भी, मतलब तुम खाना कम खाओगे ना तो धीरे 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 तुम्हारा शरीर ऊर्जा भी कम खर्च करने लग जाएगा, तो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म कम होने लग जाएगा।
अब सवाल उठता है कि मसल बढ़ाने से मेरी बीएमआर बढ़ती है और मसल कम करने से मेरी बीएमआर कम होती है, तो कितनी मसल बढ़ाने से कितनी बीएमआर बढ़ती है और कितनी मसल कम करने से कितनी बीएमआर कम होती है, ये मैं आने वाले एक दो वीडियो में बात कर लूँगा। और अब बात क्या है, एक सवाल कि कब हमें अपनी बीएमआर बदलनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि जब तुम्हें लग रहा है तुम्हारी बीएमआर बहुत कम है या तुम्हें लग रहा है तुम्हारी बीएमआर बहुत ज़्यादा है तो तुम्हें उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें कैसे पता चलेगा वो बहुत कम है बहुत ज़्यादा है? तो बीएमआर किस रेंज में होनी चाहिए लड़की लड़के के लिए, उस रेंज से ज़्यादा बाहर जा रही हो तो तुम्हें उसे कम ज़्यादा करने की सोचनी चाहिए, ये भी मैं आने वाले एक दो वीडियो के आसपास में बात कर लूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।